जी महाराज जी, इस मंदिर के महात्म के बारे में थोड़ा बताएं। ठीक ठीक जी महाराज जी, शुरू करें। यहाँ के राजा मधुकर साय रानी कुंवर गणेशी बाई, उनके पुत्र राजा वीर सिंह, वीर सिंह के पुत्र जुझार सिंह हरदौल, ये 16वीं शताब्दी की बात। रानी राम के भक्त थी, राजा कृष्ण के थे। राजा चाहते थे कि अपन एक प्राणी है, एक भक्ति करूँ। रानी ने कहा नहीं, मैं राम भक्त हूँ, राम भक्ति नहीं छोड़ पाएंगे। राजा ने गुस्से से कह दिया, सच्चे राम के भक्त हूँ तो राम को अयोध्या से लेके आओ। रानी ने सोचा, राजा को अपनी भक्ति का विश्वास किया, मेरी राम भक्ति का विश्वास नहीं किया। तो रानी राजा के सामने एक प्रतिज्ञा करती हैं कि सच्चे राम के भक्त होंगे तो राम को अयोध्या से लेके आएंगे, या तो सरजू मैया में प्राण त्याग दूंगा, मैं आपके नगर में वापस नहीं आएंगे। जब रानी अयोध्या जी पहुंची, सरजू मैया किनारे तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते कुछ समय बीत गया, जब भगवान नहीं मिले तो रानी सरजू मैया में प्राण त्यागने के लिए खूनी के भगवान बाल रूप मानते हुए उनसे कहा, रानी प्राण क्यों त्यागती हो, अपने घर वापस लौटो। उन्होंने कि नहीं, हम आपको लेके जाएंगे, वरना वापस नहीं आएंगे। तो भगवान ने कहा, जैसी प्रतिज्ञा से आप आए उसी प्रतिज्ञा से मैं चलूँगा। उनने कहा, आप बोलो, हम स्वीकार करेंगे। उनने कहा, पुष्य नक्षत्र में चलेंगे, जहाँ बैठ जाएंगे वहाँ से उठेंगे नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ रामराज रहेंगे, आपके राजा का राज नहीं रहेगा, दिन में रहेंगे ओरछा शयन करेंगे अयोध्या। ये सारी शर्तें मंजूर करके जब भगवान आने के लिए तैयार हुए तो रानी ने राजा को सूचना भेजी कि आप मंदिर बनवाएं, भगवान आने के लिए तैयार हैं। तब राजा को एक अहंकार हो गया कि ऐसा मंदिर बनवाएं कि भगवान के उठत बैठत दर्शन करेंगे। देखिए आप वो झरोका देखें, राजा चाहते थे उठत बैठत उठत बैठत भगवान जी के महल से दर्शन करेंगे, लेकिन भगवान तो तीन लोग के अंतरा में। भगवान ने सोचा, मैं अयोध्या से चल रहा हूँ, राजा अपने महल से देखेंगे। भगवान ने ऐसा चलना शुरू किया कि ये मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया तो रानी ने कुछ समय के लिए रसोई में विराजमान कर दिया कि कुछ समय बाद हम रसोई से उठा लेंगे। कुछ समय बाद ये मंदिर पूरा हुआ, रानी ने उठाने का प्रयास किया तो भगवान रसोई से नहीं उठे। जब नहीं उठे तो रानी ने मंदिर वहीं बनवा दिया। राजा कृष्ण के भक्त थे, राजा ने सोचा ना भव्य मंदिर बनवाया, एक राज्य में दो राजा नहीं रहेंगे, राम राजा कृष्ण राजा। तब राजा ने यहाँ विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, राधा जी और कृष्ण जी, तो ये चतुर्भुज के नाम से, वो रामलला सरकार के नाम से, वहाँ रानी महल।